बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्किल्स विद टीएस। फ्रेंड्स, एडोब फोटोशॉप कोर्स की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपना जो डॉक्यूमेंट है या फाइल है उसे हम एज एन एडिटेबल एंड एज ए पिक्चर किस तरह सेव कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइल के मेन्यू में जाके सेव एज का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। एंड देन आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट कहीं पर भी रखना चाहते हैं तो इस तरह से रख सकते हैं। अब यहाँ हम अपना जो डॉक्यूमेंट है वो एज एन एडिटेबल करना चाहते हैं तो यहाँ हम फॉर्मेट में TSD सेलेक्ट करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है तो जस्ट आपने सेव कर देना तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है या फाइल है वो एज एन एडिटेबल सेव हो जाएगी। एंड देन फ्रेंड्स, हमने इसको जस्ट क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे ताकि हमारे पास ये एडिटेबल जो हमने सेव किया है ये ओपन हो जाए। इसको सिलेक्ट करना है जस्ट आपने एंड देन ओपन कर देना है और तो ये ओपन हो जाएगा। एंड ये तमाम लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं इसकी, तो हम कोई भी लेयर इसके डिलीट करना चाहें तो इसकी कर सकते हैं और कोई भी देखिए अमेंडमेंट में जो कर रही हूँ वो कर सकते हैं। या कुछ डिलीट करना हो या अगेन रीराइट करना हो, जो लर्न स्किल्स विद टीएस मैंने लिखा हुआ है इसे डिलीट करना हो या कुछ भी करना हो तो आप अगेन इसको कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी इसकी एडिटिंग अगेन कर लेती हूँ ताकि इसको हम अगेन से सेव करें। तो कैसे करते हैं, अगेन सेव करने के लिए हमने जस्ट अब सेव पर क्लिक करना होगा तो ये सेव हो जाएगा। इसको क्लोज़ करके देखते हैं और इसे अगेन ओपन करेंगे कंट्रोल ओ से तो ये देखिए हमारा जो अमेंडमेंट की थी वो इस तरह से सेव हो गया ऑलरेडी, जो ऑटोमेटिकली है वो सेव हो जाता है इस तरह। एंड देन अब हमने एज अ पिक्चर सेव करना है। गो टू द फाइल मेन्यू एंड ओपन डॉक्यूमेंट या कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो ये कोई सा भी डॉक्यूमेंट एज अ हम ले लेते हैं। इसे मैंने इसे एज एडिटेबल ही ले लिया जो हमारा एडिटेबल था। अब जस्ट सेव पर जाना है तो आपने इस ऑप्शन के को देखना है, फॉर्मेट की ऑप्शन को। यहाँ आपको JPEG या JPG का ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ जस्ट आपने क्लिक करना है और आपने एज ए पिक्चर सेव करना है और सेव पर क्लिक कर देना है और कहीं पर भी ब्राउज करना है तो कर दें। और ये फिर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपका। इस डायलॉग बॉक्स के ओपन होते ही आपने जस्ट इसको क्लिक कर देना है। इसमें ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्टेड सेटिंग मूवी होती है या कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं साइजेस वगैरह का तो कर सकते हैं। एंड देन इसको हम अगेन से जो फोटो वर्कशॉप है एज ए पिक्चर उसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो हमने अमेंडमेंट की थी वो एज इट इज़ ही रहेगा, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते या कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। इसके ऊपर जो लिखने हैं वही लिख सकते हैं या और कुछ ड्रॉ करना तो कर सकते हैं, बिकॉज ये पिक्चर है ये एडिटेबल नहीं है। एंड देन इसको क्लोज कर लेते हैं। एज ए पिक्चर हम इसको सेव ओपन करने की कोशिश करते हैं, ओपन करते हैं ये एज ए पिक्चर ओपन करके यहाँ देख लेते हैं। ये रही हमारी पिक्चर ओपन हो चुकी है। देन हम इसको जूम आउट करके देखेंगे, इसकी रेजोल्यूशन चेकआउट करते हैं। देखिए इसकी रेजोल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है, कोई ब्लर नहीं है। तो आपने हमेशा रेजोल्यूशन का ख्याल रखना है, 300 से अबव ही रेजोल्यूशन रखनी है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सेव आवर डॉक्यूमेंट एज अ पिक्चर एंड एज एन एडिटेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।